एड्रेसेस। ध्यान से देखिएगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। इस स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर बात करें तो सिंपली डिफाइन कर सकते हैं स्पर्म सेल्स का बनना। ध्यान से सुनिएगा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल्स आर नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। सबसे सिंपल सा आंसर आप ऐसे दे सकते हैं। अब अगर आपको इस स्पर्मेटोजेनेसिस को समझना है, ध्यान से सुनिएगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आपका नीट यूजी मेडिकल का एग्जाम हो या फिर स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, सभी बोर्ड्स में यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो हम लोग इस स्पर्मेटोजेनेसिस को अगर समझना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप समझिए मियोसिस कैसे होती है, क्योंकि बगैर मियोसिस के इंफॉर्मेशन के आप स्पर्मेटोजेनेसिस को बिल्कुल भी कतई नहीं समझ सकते हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग मियोसिस, भाई ये मियोसिस क्या होता है, इस मियोसिस की बात करेंगे तो इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन का एक टाइप है। इस मियोसिस के लिए और एक नाम यूज करते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। क्या बात करते हैं भाई, रिडक्शनल डिवीजन। अगर आपसे कोई पूछे कि चचा आपने मियोसिस और रिडक्शनल डिवीजन नाम तो दे दिया लेकिन ये है क्या, इसमें होता क्या है, तो हम लोग सिंपली छोटे से तरीके से भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा जो आप लोगों को स्पर्मेटोजेनेसिस में बहुत मदद करने वाला। अगर अपने पास एक सेल, कैसा सेल भाई, तो डिप्लॉयड सेल। कैसा सेल है भाई, डिप्लॉयड सेल। कहते सबसे पहली बात तो मियोसिस हमें पता होनी चाहिए कि मियोसिस दो स्टेप में होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो चलिए भाई इस सेल पर हम लोग मियोसिस सेल डिवीजन देख लेते हैं। जैसे ही इस सेल में मियोसिस फर्स्ट हो जाएगी, ये सेल डिवाइड हो जाएगा दो सेल में। कितने सेल में भाई, दो सेल में। कहते हैं कि यहां पर जो अपने पास टू सेट्स ऑफ क्रोमोजोम है वो अब रह जाएगा सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम, एन और एन। ठीक है भाई, और जब अब इस पर मियोसिस टू होगा, मैं बहुत आसान भाषा में बस आप लोगों को मियोसिस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप डिटेल में जाइएगा मियोसिस का तो बहुत ही लंबा मिलेगा मियोसिस, जो आपको क्लास 11th में ही पढ़ लेना होता है। मैं बस कहिए तो एक समरी बता रहा हूं मियोसिस की। तो अगर मियोसिस फर्स्ट होती है तो टू हैप्लोइड सेल का फॉर्मेशन होता है, और जैसे ही मियोसिस सेकेंड होती है हम लोगों को टोटल चार सेल मिलता है। कितना सेल भाई, चार सेल, और सब में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम या सबका सब हैप्लोइड ही होता है। क्या होता है भाई, हैप्लोइड। तो फाइनली हम लोगों को क्या मिला, फोर हैप्लोइड डॉटर सेल्स। कैसे मिले भाई, फोर हैप्लोइड डॉटर सेल। ये क्या भाई, पेरेंट सेल। ये क्या हो गया, पेरेंट सेल, जो क्या है भाई, डिप्लॉयड। मतलब जब डिप्लॉयड पेरेंट सेल पर मियोसिस होती है तो एज अ रिजल्ट हम लोगों को फोर हैप्लोइड डॉटर सेल्स देखने को मिलता है। जबकि बात करेंगे इंटरमीडिएट सेल्स तो कितने बन रहे भाई, टू, और ये दोनों के दोनों क्या है, हैप्लोइड। मतलब पहला वाला डिवीजन जो है वो रिडक्शनल डिवीजन हुआ, मतलब यहां क्रोमोसोम रिड्यूस होकर एक सेट में बच गया। जबकि दूसरे वाले की अगर बात करेंगे तो ये सेम ही है भाई, यहां पर क्रोमोसोम के नंबर में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो आप इसे इक्वेशनल डिवीजन कह सकते हैं। तो भाई अगर आपको स्पर्मेटोजेनेसिस समझना है तो इसे जानना बहुत जरूरी है। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के ओ, तो चलिए भाई देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। मैं विवेकानंद स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने किंगडम बायोलॉजी क्लासेस में। आप सभी पढ़ रहे हैं मेरे साथ बायोलॉजी फॉर क्लास 12th एंड नीट यूजी प्रिपरेशंस। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3rd ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और आज का अपना टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो चलिए शुरू किया जाए। चलिए भाई अब हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस को समझते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सबसे पहला सेल जो अपने पास होता है ये एक डिप्लॉयड सेल होता है। कैसा सेल भाई, डिप्लॉयड सेल।
समझिएगा, जहां भी 2n लिखा रहे वो डिप्लॉयड होता है, अगर n लिखा रहे तो वो हैप्लॉयड होता है। इस सेल को कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहा जाता है भाई? स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया क्या है भाई? डिप्लॉयड सेल। सबसे पहले इस स्पर्मेटोगोनिया पर होती है माइटोसिस। क्या होती है भाई? माइटोसिस, मतलब ये माइटोसिस डिवीजन के द्वारा अपने नंबर को बढ़ा लेगा। अच्छा भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो आपने स्पर्मेटोगोनिया बनाया है, आपने 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम तो बताया, लेकिन भाई यहां क्रोमोसोमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? तो भाई हम लोग क्रोमोसोमल रिप्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे, 44 प्लस एक्स और वाई। ये हमारे सेल्स में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है भाई? 46। तो देखिए ये हो गया 44, एक्स हो गया 45 और वाई हो गया 46। जैसे ही माइटोसिस होती है, यहां पर 2 सेल्स का फॉर्मेशन कर देंगे हम लोग। कितने सेल्स का भाई? 2 सेल्स का। और जैसा कि हम लोगों को पता है, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है, वहां एज अ रिजल्ट 2 सेल का फॉर्मेशन होता है जिनमें क्रोमोसोम्स का नंबर सेम ही होता है। तो भाई देखिए, अभी यहां हमारे पास 2 सेल बना और दोनों में क्रोमोसोम सेम ही रहेगा, 44 प्लस एक्स वाई और 44 प्लस एक्स वाई। कोई दिक्कत है भाई? अब हम लोग कहते हैं यहां से जब हम लोग यहां तक आए माइटोसिस के बाद, तो क्या इन सेल्स में कोई सा भी डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है? कोई सा भी डिफरेंसेस नहीं देखने को मिल रहा है। तो इन सेल्स को भी स्पर्मेटोगोनिया ही नाम देते हैं। क्या नाम दे रहे भाई? स्पर्मेटोगोनिया। ये भी डिप्लॉयड था तो ये भी क्या होगा भाई? डिप्लॉयड। अब यहां देखिए ध्यान से, नंबर बढ़ जा रहा है सेल का। किसका नंबर बढ़ जा रहा है भाई? सेल का। तो इस फेज को कहा जाता है मल्टीप्लीकेशन फेज। क्या कहा जाता है भाई? मल्टीप्लीकेशन फेज। समझते चलिएगा कि अगर आपसे कोई पूछे स्पर्मेटोजेनेसिस का पहला फेज कौन सा है, तो आप लोग आंसर दीजिएगा मल्टीप्लीकेशन फेज, क्योंकि यहां सेल्स का नंबर बढ़ गया। भाई अब क्या होगा? कहते हैं अब यहां पर हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी भाई? यहां देखने को मिलेगी ग्रोथ। ऐसा ही इस सेल के साथ भी होगा। जैसे ही ग्रोथ हो जाएगा, अब इस सेल को थोड़ा हम लोग बड़ा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं भाई? बड़ा। ध्यान से देखिए, क्या ग्रोथ होने के बाद, ध्यान से समझिएगा, क्या ग्रोथ होने के बाद क्रोमोसोम्स में कोई बदलाव होगा? आप लोग खुद आंसर दीजिए। बिल्कुल नहीं। यहां सेल में ग्रोथ हुई है तो यहां अभी भी क्रोमोसोम की अगर बात करेंगे तो कितना मिलेगा भाई? 44 प्लस एक्स वाई, मतलब 44 और 2 कितना रह गया? 46। अब इस वाले सेल को, ये जो सेल बना है, इस सेल को नाम दिया जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम दिया जाता है भाई? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की बात करेंगे तो ये भी अभी क्या है भाई? डिप्लॉयड, क्योंकि अभी भी क्रोमोसोम का नंबर कितना है अपने पास? 46। अब कहते हैं इस सेल पर, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पर, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, पहली बार मियोसिस होगा। क्या होगा भाई? मियोसिस। तो पहले स्टेप में क्या होता है भाई? मियोसिस फर्स्ट। अभी मैंने मियोसिस बताया हुआ है, पहले स्टेप में क्या होगा भाई? मियोसिस फर्स्ट। जैसे ही मियोसिस फर्स्ट हो जाएगी, यहां कितने सेल्स का फॉर्मेशन होगा भाई? 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। याद कीजिए, मैंने भी बताया हुआ था आप लोगों से कि एक सेल है, अगर कौन सा भाई? डिप्लॉयड सेल। इधर देखिएगा, अगर 2n था और मियोसिस फर्स्ट होता है तो कितने सेल में बदल जाता है? 2 सेल में, और दोनों क्या रह जाता है भाई? हैप्लॉयड। फिर अगर फर्दर इसमें अगला फिर मियोसिस सेकेंड हो जाए तो कितना सेल मिलेगा भाई? 4, और चारों के 4 क्या होंगे? हैप्लॉयड। तो यहां अपने पास मियोसिस फर्स्ट हुआ और ये सेल क्या है भाई? डिप्लॉयड। तो मियोसिस कंप्लीट होने के बाद हम लोगों को 2 हैप्लॉयड सेल मिलेगा। अब यहां तो हम लोग 2n से n कर रहे थे, इस बार 44 प्लस एक्स वाई है, इसको कैसे आधा करेंगे भाई? तो इस 44 को आधा कर दीजिए, कितना हो गया भाई? 22, और
एक बार कर दीजिए x और दूसरा क्या बन जाएगा भाई 22 प्लस y। तो यहां दो सेल कैसे बन रहा है, एक तो 22 का सेट और दूसरा एक में y और दूसरे में x। अब ऐसे ही यहां पर हम लोगों के पास अगर क्रोमोसोमल रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो क्या जाएगा भाई 22 प्लस x और 22 प्लस y। अब भाई इस सेल को क्या नाम दिया जाएगा, इस सेल को नाम दिया जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम दिया जाएगा भाई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये क्या होता है भाई, हैप्लोइड। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि भाई सबसे पहला स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान सबसे पहला बनने वाला हैप्लोइड सेल का नाम क्या है, तो आप लोग आंसर दीजिएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये पूछे कि भाई इस स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान सबसे पहली बार मियोसिस किस सेल में हुई थी, तो आंसर दीजिएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। भाई इधर के सेल में भी ऐसा ही एक्टिविटी होगा। अब हम लोग बात करेंगे यहां पर क्या देखने को मिलेगा भाई, मियोसिस सेकंड। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं मियोसिस सेकंड। अब बताइए भाई मियोसिस सेकंड के बाद कैसा डिवीजन होता था, इक्वेशनल डिवीजन, और हैप्लोइड से फर्दर हम लोग को क्या मिलता था भाई, हैप्लोइड सेल से मिलेगा। तो ये देखिए जैसे ही मियोसिस सेकंड होगा तो इस वाले से कितने सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा भाई, दो, और इस वाले से भी कितने सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, दो। तो टोटल कितने सेल्स बन गए, चार। अब यहां पर क्रोमोसोम में कोई बदलाव मिलेगा क्या, नहीं, कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो इनसे बनने वाले दोनों सेल में क्या हो जाएगा क्रोमोसोम का रिप्रेजेंटेशन भाई, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स, और बगल वाले में क्या हो जाएगा भाई, 22 प्लस वाई और 22 प्लस वाई। मतलब इस मियोसिस से टोटल कितना सेल मिला भाई, चार, और इन चारों में अगर क्रोमोसोम की बात करेंगे तो वो क्या होगा भाई, हैप्लोइड होगा। क्या होगा भाई, हैप्लोइड। भाई अब इसका नाम क्या दिया जाता है, इसका नाम दिया जाता है स्पर्मेटिड। क्या नाम दिया जा रहा भाई, स्पर्मेटिड। अब इस स्पर्मेटिड की बात करेंगे तो ये कैसा स्ट्रक्चर होता है भाई, हैप्लोइड स्ट्रक्चर। अब अपना मियोसिस कंप्लीट हो गया, अब यहां से ये बदल जाएगा किसमें भाई, स्पर्मेटोजोआ में। किसमें बदल जाएगा भाई, स्पर्मेटोजोआ में। ध्यान से देखिए भाई ये किसमें बदल गया, स्पर्मेटोजोआ में, स्पर्मेटोजोआ। अब एक याद रखने वाली बात यह है कि स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ क्या कहलाता है भाई, इसको कहते हैं हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं भाई, स्पर्मियोजेनेसिस। ये क्या हुआ भाई, स्पर्मियोजेनेसिस। और इस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस कंप्लीट प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। वाले प्रोसेस को तो हम लोगों ने क्या कहा भाई, स्पर्मियोजेनेसिस, और पूरे कंप्लीट प्रोसेस को क्या कहा हम लोगों ने, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब भाई थोड़ा सा फिर से इधर आ जाते हैं कि पहले फेज को मल्टीप्लिकेशन फेज कहा गया क्योंकि यहां पर सेल्स ने मल्टीप्लाई करके अपने सेल्स का नंबर बढ़ा लिया। अब दूसरे फेज की अगर बात करी जाए तो यहां सेल्स में ग्रोथ देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है भाई, ग्रोथ। तो दूसरे फेज का नाम दिया गया है ग्रोथ फेज। क्या नाम दिया गया भाई, ग्रोथ फेज। अब आखिरी के फेज को इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लेकर आखिरी तक के फेज को नाम दिया गया है मैच्यूरेशन फेज। क्या नाम दिया गया भाई, मैच्यूरेशन फेज। ध्यान से भाई इस पर बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो आएगा कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस विथ स्कीमेटिक डायग्राम। स्कीमेटिक डायग्राम के साथ आप एक्सप्लेन कीजिए स्पर्मेटोजेनेसिस को। तो आप लोग लिखिएगा, दिस प्रोसेस स्टार्ट्स विथ स्पर्मेटोगोनिया, जिसमें सबसे पहले माइटोसिस होती है और वो अपना नंबर बढ़ा लेता है। इस फेज को मल्टीप्लीकेशन फेज कहा जाता है। फिर इसमें क्या होता है भाई कि मल्टीप्लीकेशन के बाद सेल्स में ग्रोथ होती है, इस फेज को ग्रोथ फेज
स्पर्मेटोसाइट जो कि एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होती है मियोसिस फर्स्ट, और इसके बाद मिलता है हम लोगों को दो हैप्लॉयड सेल जिसे कहा जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होती है मियोसिस सेकेंड, जिससे हम लोगों को मिलता है चार स्पर्मेटिड, और चारों के चारों क्या होंगे भाई, हैप्लॉयड। अब यहां पर ये फिर मैच्योर होकर क्या बन जाएगा भाई, स्पर्मेटिड, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्पर्मेटोजोवा में, और इस आखिरी के प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। और यहां से इस ग्रोथ फेज के बाद ये जो तीसरा फेज है इसे क्या कहा गया भाई, मैच्यूरेशन फेज। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भाई ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उसे कितने फेजेस में बांटा जा सकता है, तो आंसर दीजिएगा तीन। कौन कौन सा भाई, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्यूरेशन फेज। इस पूरे चार्ट को भाई आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट से याद रखिएगा तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। अब हम लोग डिफाइन कर सकते हैं आसानी से स्पर्मेटोजेनेसिस को, लेकिन आपसे क्वेश्चन आएगा What is the difference between spermatogenesis and spermiogenesis? तो आंसर क्या दीजिएगा भाई, The complete process of formation of sperm cells or spermatozoa from the germ cells spermatogonia is known as spermatogenesis, while the process of conversion of spermatid to spermatozoa is known as spermiogenesis. बस इस आखिरी के कन्वर्जन को, इससे ये बनना क्या कहला रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस, और इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या कहते हैं भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस। चलिए स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड कुछ टर्म्स को जान लेते हैं। सबसे पहला टर्म तो भाई अपने पास हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस, तो क्या लिखेंगे भाई इसके लिए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया या फिर जर्म सेल इज नॉन एज क्या भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप लोग चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया, इसे ही क्या कहा जाता है भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा डेफिनेशन है अपने पास स्पर्मियोजेनेसिस। देखिए भाई अब ये स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, तो क्या लिखेंगे, कन्वर्जन ऑफ क्या भाई, स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ इज नॉन एज क्या कहते हैं भाई, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड अपने पास है, चलिए भाई स्पर्मिएशन, नेक्स्ट वर्ड कौन सा है भाई, स्पर्मिएशन। चलिए अगला वर्ड देखते हैं हम लोग, स्पर्मिएशन। देखिए भाई स्पर्मिएशन क्या होता है, कहते हैं सिंपली रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम कहां भाई, सेमनी फेरस टिब्यूल। अगर सेमनी फेरस टिब्यूल से स्पर्म बाहर निकल रहा है, क्योंकि फॉर्मेशन तो कहां हो रहा है भाई, सेमनी फेरस टिब्यूल में ही हो रहा है, तो जब सेमनी फेरस टिब्यूल में स्पर्म बन के बाहर आ रहा है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है क्या भाई, स्पर्मिएशन। क्या कहा जाता है, स्पर्मिएशन। नेक्स्ट अपने पास वर्ड है सेमिनेशन, क्या वर्ड है भाई, सेमिनेशन। ये सेमिनेशन क्या होता है, कहते हैं कि जब स्पर्म टेस्टिस से रिलीज हो जाए, कहां से रिलीज हो जाए भाई, टेस्टिस से, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस। अगर टेस्टिस से रिलीज हो गया, सबसे पहले तो सेमिनिफेरस टिब्यूल से निकला, तो इसके लिए वर्ड यूज किया गया स्पर्मिएशन। फिर टेस्टिस से बाहर निकल गया तो क्या वर्ड यूज किया गया भाई, सेमिनेशन। फिर अपने पास तीसरा वर्ड है इजैकुलेशन, क्या भाई, इजैकुलेशन। ये इजैकुलेशन क्या होता है,
जब सीमन, अब याद रखिएगा स्पर्म नहीं भाई, अब यहां पर आ जाएगा सीमन, क्योंकि यहां पर अब स्पर्म के साथ जितने भी एसेसरी ग्लैंड थे उनके भी सिक्रीशंस मिल गए। अब ये कहां से निकल रहा है भाई? जब पेनिस से स्पर्म बाहर निकल जाए, कह रहे हैं कि जब पेनिस से स्पर्म कहां निकल जाए, बाहर निकल जाए, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इजैकुलेशन। तो क्या लिखेंगे भाई? रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम पेनिस। जब पेनिस से बॉडी से बाहर निकल गया स्पर्म तो क्या बोला गया भाई? इजैकुलेशन। नेक्स्ट अपने पास वर्ड है इनसेमिनेशन। क्या है भाई? इनसेमिनेशन। कहते हैं अगर स्पर्म रिलीज हो और फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में चला जाए, भाई यही तो है पर्पस कि स्पर्म फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में जाए जहां फर्दर आगे चलकर फर्टिलाइजेशन हो और फीमेल प्रेग्नेंट हो सके जिससे बेबी बने। ठीक है भाई? तो कह रहे हैं कि जब इनसेमिनेशन की बात करी जाए तो बताइएगा अगर स्पर्म रिलीज होकर फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट वेजाइना में चला जाए तो इसे क्या कहा जाता है भाई? इनसेमिनेशन। तो क्या लिखेंगे भाई? एंट्री ऑफ स्पर्म इनसाइड द फीमेल वेजाइना। क्या बोलेंगे भाई? कि अगर स्पर्म का एंट्री फीमेल के वेजाइना में हो जाए तो इसके लिए टर्म यूज किया जाता है इनसेमिनेशन। क्लियर है भाई? इन चारों वर्ड्स में बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, तो ध्यान से याद रखिएगा जब बोला जाए स्पर्मिएशन तो बोलिएगा सेमिनिफेरस टिब्यूल से बाहर हो गया, बोला जाए सेमिनेशन तो टिस्टिस से बाहर हो रहा है, बोला जाए इजैकुलेशन तो याद रखिएगा स्पर्म नहीं भाई सीमन, सॉरी मैंने भी स्पर्म लिख दिया है। क्या भाई? सीमन। जब सीमन कहां पहुंच जाए भाई? जब सीमन पेनिस से बॉडी के बाहर पहुंच जाए या बाहर निकल जाए तो क्या कहेंगे? इजैकुलेशन। ये सीमन ज्यादा टेक्निकली अच्छा वर्ड होगा यहां पर। वैसे ही एंट्री ऑफ सीमन कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं भाई? सीमन। कहां? फीमेल के वेजाइना में। क्या कहा जाएगा? इनसेमिनेशन। क्लियर है भाई? चलिए भाई अब हम लोग देख लेते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान कौन कौन से हार्मोन्स काम करते हैं और कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास एक ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। कौन सा भाई? हाइपोथैलेमस। जो कहां होता है भाई? इधर को। कहते ये हाइपोथैलेमस किसको मैसेज देगा, किसके द्वारा बॉडी के ग्लैंड्स को कंट्रोल कराता है? ऑफ कोर्स सबको पता होगा प्यूटिट्री। तो भाई ये हाइपोथैलेमस मैसेज देगा प्यूटिट्री को। किसको भाई? प्यूटिट्री ग्लैंड। अब बात ये आती है कि चचा ये हाइपोथैलेमस प्यूटिट्री ग्लैंड को कैसे मैसेज देता है? तो हम लोग बोलेंगे कि ये GnRH हार्मोन को रिलीज करता है। अब बात ये आएगी कि ये GnRH कौन सा हार्मोन है? तो भाई ये हार्मोन है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वैसे भी हम लोग को पता है कि ये जो हाइपोथैलेमस है ये या तो रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा या तो इनहिबिटिंग, या तो किसी चीज को बढ़वा देगा या तो घटवा देगा। तो भाई ये अभी फिलहाल तो क्या कर रहा है भाई? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन मतलब ये कहीं ना कहीं किस पर काम करवाएगा भाई? गोनाइड्स पर। और गोनाइड मेल में कौन सा है? टेस्टिस। तो भाई यहां पर अपने पास सबसे पहले मैसेज किसके पास गया? प्यूटिट्री ग्लैंड के पास। अब ये प्यूटिट्री कौन सा होता है भाई? ये होता है एंटेरियर प्यूटिट्री। कौन सा वाला भाग है ये? एंटेरियर। हम लोगों ने 11th में पढ़ा था कि प्यूटिट्री का दो भाग होता है, एक एंटेरियर और दूसरा पोस्टेरियर। तो ये GnRH के द्वारा एंटेरियर प्यूटिट्री पर मैसेज भेजा गया। अब ये एंटेरियर प्यूटिट्री रिलीज करेगा दो हार्मोन। कितने हार्मोन? दो हार्मोन। भाई कौन कौन सा हार्मोन? तो सबसे पहले एक हार्मोन रिलीज करेगा LH और दूसरा रिलीज करेगा FSH।
लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एलएच तो ठीक है लेकिन मेल में एफएसएच कैसे काम करता है, तो वो भी हम लोग जानेंगे। अब इस एलएच का ही दूसरा नाम है भाई आईसीएसएच। क्या नाम है? आईसीएसएच। अब फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। एलएच का पूरा नाम है भाई ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या नाम है भाई? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और आईसीएसएच किसे कह रहे हैं? इसी का दूसरा नाम है इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग और एच से हार्मोन। ठीक है भाई। इस एफएसएच का फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहां तक कोई दिक्कत है भाई? अब कहते हैं ये जो अपने पास एलएच या आईसीएसएच होता है ये मैसेज भेजता है किसके पास भाई? ये मैसेज भेजेगा टेस्टिस के पास। किसके पास भाई? टेस्टिस के पास। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं होइएगा भाई, समझ में नहीं आएगा। ये एलएच और या फिर आईसीएसएच किसको मैसेज दे रहा भाई? इस टेस्टिस को। अब टेस्टिस के पास तो दो दो सेल है, कौन कौन सा सेल भाई? तो टेस्टिस के पास पहला सेल है कौन सा? लेडिग सेल। कौन सा है भाई? लेडिग सेल। और दूसरा है सर्टोली सेल्स। कहते हैं इस लेडिग सेल का क्या काम है? कल ही हम लोगों ने देखा था कि लेडिग सेल का काम है, लेडिग सेल याद रखिए भाई, इंटरस्टीशियल सेल को ही क्या कहते हैं हम लोग? लेडिग सेल। इस लेडिग सेल का काम है एंड्रोजन सिक्रीट करना। क्या सिक्रीट करना भाई? एंड्रोजन, या हम लोग कह सकते हैं टेस्टोस्टेरोन। अब यहां दूसरा आता है भाई सर्टोली सेल। कहते हैं सर्टोली सेल सिक्रीट करता है क्या भाई? ध्यान से देखिएगा, ये सर्टोली सेल सिक्रीट करता है एबीपी। क्या करता है भाई? एबीपी। एबीपी का पूरा नाम है एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या नाम है भाई? एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन। कहते हैं इस एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन का क्या काम है? तो इसका काम है भाई, ये क्या करता है ध्यान से देखिएगा, ये जो एबीपी है ये स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा। क्या करेगा भाई? स्टिमुलेट। तो हम लोग लिखेंगे स्टिमुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या कर रहा है भाई? स्टिमुलेट कर रहा है, मतलब उसको और बढ़ा देगा। दूसरा और एक काम है भाई। तो दूसरा कौन सा काम है? दूसरा काम है कि सेमिनिफेरस टिब्यूल में, याद रखिए जहां स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है उस सेमिनिफेरस टिब्यूल में टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। अब हम लोगों को तो पता है कि ये टेस्टोस्टेरोन दो काम करता है। एक तो भाई ह्यूमन मेल में क्या करता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर रेगुलेट कराता है, और दूसरा स्पर्मेटोजेनेसिस को भी प्रमोट करता है। तो ये क्या कर रहा है भाई? कंसंट्रेट्स टेस्टोस्टेरोन इन का भाई सेमिनिफेरस टिब्यूल। यहां तक कोई दिक्कत है भाई? कहते हैं कि अब सर्टोली सेल्स, ध्यान से देखिएगा कि जब स्टिमुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ गया, क्यों? क्योंकि यहां पर सेमिनिफेरस टिब्यूल में टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया गया है। किसके कारण से भाई? एबीपी, एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ने लगा, स्टिमुलेट होने लगा, स्पर्म बहुत सारे बनने लगे। अब यही स्पर्म का बहुत ज्यादा बनना इसके लिए निगेटिव फीडबैक का काम करेगा भाई। जब बहुत ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाए, ध्यान से देखिएगा, कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाए, एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस, जब स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत हो जाए तो इसी सर्टोली सेल्स के द्वारा एक और हार्मोन सिक्रीट किया जाता है जिसका नाम है इनहिबीन। कौन सा हार्मोन भाई? इनहिबीन। ध्यान से देखिएगा, कौन सा हार्मोन सिक्रीट किया गया भाई? इनहिबीन।
अब ये इनहिबिन निगेटिव फीडबैक देगा, क्या देगा भाई, निगेटिव फीडबैक किसको, हाइपोथैलेमस को, बोलेगा चचा बहुत स्पर्म बन गया अब थोड़ा कम कर लीजिए, कौन और किसको, ये इनहिबिन किसको मैसेज भेजेगा, हाइपोथैलेमस को, ये हाइपोथैलेमस अब जीएनआरएच का मात्रा कम कर देगा तो प्यूटिट्री जो एंटीरियर प्यूटिट्री है उसको मैसेज कम मिलेगा तो एलएच और एफएसएच का रिलीज फिर घट जाएगा तो ये सारे प्रोसेस भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो ये इनहिबिन का काम क्या है भाई, इनहिबिन इनहिबिट वर्ड से लग रहा है बना हुआ है, मतलब किसी ना किसी चीज को रोकेगा, तो ये क्या दे रहा है भाई, नेगेटिव फीडबैक, ये क्या दे रहा है, नेगेटिव फीडबैक। कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाए तो खुद एंड्रोजन भी, ये खुद एंड्रोजन भी क्या प्रोवाइड करता है भाई, नेगेटिव फीडबैक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है भाई, कि जब कोई चीज बढ़ जाए तो उसे घटा देना क्या कहलाता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब यहां एक सेल अपने पास बचा रह गया, एक हार्मोन जिसका नाम है एफएसएच, क्या नाम है भाई, एफएसएच। इस एफएसएच का काम क्या है, तो कह रहा है कि ये सर्टोली सेल्स पर एक्ट करेगा और स्पर्मियोजेनेसिस, याद कीजिए स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, उसको प्रमोट कराएगा, कौन, ये एफएसएच। तो देखिए भाई ध्यान से, इट एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल्स एंड हेल्प्स इन स्पर्मियोजेनेसिस। भाई ये जो मैंने बोर्ड पर बनाया है ये करोड़ों का पॉइंट है, आपको ये करोड़ों पर भी नहीं मिलने वाला है, मैं फ्री में बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए और कम से कम इस पॉइंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं कि भाई अपने पास हाइपोथैलेमस है, उसका तो भाई काम ही है गोनेड्स के लिए जीएनआरएच को रिलीज करना। जैसे ही जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होगा, ये वर्क करेगा एंटीरियर प्यूटिटरी पर, एंटीरियर प्यूटिटरी दो हार्मोन रिलीज करेगा एलएच और एफएसएच। ये एलएच टेस्टिस पर वर्क करेगा, यहां टेस्टिस के पास दो सेल है, एक लेडिक सेल और दूसरा सर्टोली सेल। लेडिक सेल सिक्रीट करेगा एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जिसका काम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ाना और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को रेगुलेट करना। लेकिन जब स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत हो जाए, बहुत स्पर्म बन जाए, तो ये नेगेटिव फीडबैक के द्वारा हाइपोथैलेमस को मैसेज देगा कि चचा आप थोड़ा कम कर लीजिए। यहां जो सर्टोली सेल है ये रिलीज करता है एबीपी, एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन। कहते हैं कि ये स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस, कैसे, तो ये कंसंट्रेट कर देता है किसको भाई, टेस्टोस्टेरोन को, कहां पर, सेमनीफेरस टिब्यूल में, और सेमनीफेरस टिब्यूल में ही तो क्या होना है भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस, और वहीं टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया, ये टेस्टोस्टेरोन खुद भी तो क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करता है। लेकिन अब स्पर्मेटोजेनेसिस तो प्रमोट हो गया, स्पर्म तो बहुत बन रहा है, अब हम चाहते हैं कि स्पर्म थोड़ा कम बने, तो ये सर्टोली सेल जब बहुत ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाए तो रिलीज करता है इनहिबिन, क्या रिलीज करता है भाई, इनहिबिन, जो नेगेटिव फीडबैक के द्वारा क्या करता है, वापस से प्रोसेस पर कंट्रोल करेगा। अब यहां बचा रह गया हार्मोन एफएसएच, ये इसका काम क्या है भाई, सर्टोली सेल्स पर एक्ट कीजिए और स्पर्मियोजेनेसिस को प्रमोट कीजिए, ये काम हो गया एफएसएच का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने भी देखे भाई कितने हॉर्मोन्स को देखा, सबसे पहले जीएनआरएच, दूसरा एलएच या एफएसएच, तीसरा एफएसएच, चौथा एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन जो भी, ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा एबीपी, क्या देखा भाई, एबीपी, और आखिरी में देखा इनहिबिन, क्या देखा भाई, इनहिबिन। तो टोटल ह्यूमन के अगर स्पर्मेटोजेनेसिस में पूछा जाए कि कितने हार्मोन्स का वर्क हो रहा है, तो आंसर क्या देंगे भाई, जीएनआरएच एक, एलएच दो, एफएसएच तीन, एंड्रोजन चार, एबीपी पांच और इनहिबिन छह। मैं सारे हार्मोन्स का नेमिंग ब्लू में कर देता हूं भाई, चलिए यहां भी लिख दे रहा हूं एंड्रोजन ब्लू में, और इसी को क्या कहा जा रहा भाई, टेस्टोस्टेरोन। क्लियर है भाई, तो ये आप लोग याद रखिएगा, आज का क्लास भाई यहीं तक,
नेक्स्ट डे हम लोग स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, चाहे वो मेडिकल हो या फिर स्टेट बोर्ड हो। फिर हम लोग फर्दर और भी कई सारे इंटरेस्टिंग बातों को जानेंगे, जिससे हमारे लिए एग्जाम्स में बैठकर एग्जाम को क्रैक करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो भाई आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए टाटा, थैंक यू।